बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब जी? आज हम बना रहे हैं फ्राइड चिकन। फ्राइड चिकन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बताती हूँ आपको जी। हमने एक पाव चिकन लिया है, बोनलेस छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ इस तरह के साइज़ में, और दो प्याज़ों को हमने लच्छे में काट लिया है। मसालों में हमने नमक, कूटी लाल मिर्च और हल्दी डाली है। ये फर्स्ट स्टेप में हम चिकन को फ्राई करेंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। पैन में हम ऑयल डालेंगे 2 से 3 चम्मच, उसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब हमने हल्का सा फ्राई कर लिया, अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। इसको 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रखेंगे, जब तक ये फुली कुक ना हो जाए। ये देखें, चिकन बिल्कुल सॉफ्ट और तैयार हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर 2 प्याज जो लच्छे की शेप में काटे थे वो डाल देंगे। इसको मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। ये देखें, मज़ेदार सा चिकन तैयार है। अब मैं इसको केचप के साथ गार्निश कर लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।